हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज निफ्टी पे अपडेट लेके आया था। मैं सैटरडे को बधाई दे देता था, आज मंडे को लेके आया हूँ। चलिए, मिस्टेक तो हो गई, आपको ये पहले ही आकर पोजीशन दे देता। लेकिन अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे देखे होंगे तो मैंने आपको कहीं पे भी बोला था कि बेरिश पोजीशन पे रहिए, आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप माने होंगे तो आपको बेरिश पोजीशन पर आज फायदा हुआ होगा। ये टूटना ही है और अभी और भी टूटना है, ये कोई रुका नहीं है। जब तक मुझे नहीं लगता कि इसको अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनानी होगी तो शायद ये 11,100 11,001 वहां से थोड़ा सा फिर से वापस पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा। बट ये नीचे भी जा सकता है। जब जाएगा तो हम लंबी पोजीशन बता देंगे। 11,600 मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक इसको सपोर्ट है जिसको तोड़ चुका है ये भी अभी। तो 11,500 पे अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। 11,500 को अगर तोड़ता है, ये हो सकता है ये तोड़े भी नहीं और 11,500 11,700 के रेंज में आपको वीकली एक्सपायरी भी करता हुआ दिखा सकता है। 11,700 तोड़ना टफ है इसके लिए और 11,500 हो सकता है एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे 500 पे। 500 के बाद सीधा ये चला जाता है तो 300 के आसपास के रेंज में चला जाता है। 11,273 के आसपास आ जाता है। 11,534 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। और जहाँ की इसका आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे भी 100 डेज का डेमा है और इसको तोड़ता है तो 200 डेमा पे 273 पे जाता हुआ आपको दिख सकता है। तो ये था, एक तो निफ्टी पे था एक सिंपल सा क्या संभावना है, कैसा चला कैसा नहीं। 5 एडवांसेस से 45 डिक्लाइन थे तो क्या संकेत देता आप खुद ही समझ जाए। 50 में अगर 45 डिक्लाइन है तो कैसा संकेत है। अब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे यस बैंक में फंसीएगा नहीं, आपको यहाँ पे 75 का लेवल 80 का लेवल मिल जाएगा। बाकी ये एससीएल टेक इन्फार्टर टीसीएस और जेएसडब्ल्यू गेनर में रहे और बजाज फिंजर और बजाज फाइनेंस ओएनजीएस ने एनटीपीसी हीरो मोटर कॉर्प ये सब थोड़ा निगेटिव में रहे। अभी जो ईबीसी पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो बेनिफिट दिए गए उसके कारण यहाँ पे आपको मोटर्स में मारुति लेकिन आपको अगर मिले 5,000 के रेंज में तो बहुत अच्छे आपको एक पोजिशन हो सकती है। मारुति पर आप वॉच लिस्ट रख सकते हैं। अगर हम इसमें इंडेक्स की बात करें तो आप सारे इंडेक्स को देखेंगे लगभग सभी रेड है और विक्स जो है और 13 से 14 की उस आसपास जा करके खड़ा हो गया। 12 से सीधा 14 चला गया। एक बार ये ऊपर लिया है तो अब ये रुकेगा नहीं, ये अभी आपको 15 साढ़े 15 16 तक तो जाते हुए दिख सकते हैं। तो कमजोरी आपको देखने को मिलेगी, कमजोरी है और भी देखने को आपको मिल सकती है। सभी इंडेक्स रेड है, इसमें एक एक इंडेक्स कोई जरूरत नहीं है बताने की। और निफ्टी 50 की अगर सभी शेयर को देखें तो 5 एडवांसेस से जो डिक्लाइन है तो आप चेंजेस भी देख सकते हैं। निफ्टी कहाँ ओपन होता है 11,770 पे, 71 का हाई बनाता है, लो बनाता है 523 का, लो के ही आसपास क्लोज देता है। जैसा आपने देखा कि 534 पे उसको सपोर्ट है तो देखिए क्या आपको भ्रम में दे रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा नहीं, 530 के सपोर्ट पे खड़ा हो जाता है। आपने आपको यहाँ पे मैंने दिखाया, ये देखिए 11,534 जो इसका 11,534 जो इसका 100 डेज का डेमा है तो वहीं पे जा करके सपोर्ट लेता है और भ्रम में दिखा देता है कि ना तो नीचे गया ना तो ऊपर गया, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। लेकिन ये वीकनेस है क्योंकि अब बड़े बड़े सारे सेक्टर में आपको फॉल देखने को मिलना चालू हो गया। अच्छे खासे आप देखेंगे तो सब में आपको फॉल लगभग देखने को मिल रहा है और HDFC बैंक जैसे शेयर भी फॉल चालू हो चुके हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बजाज फिंजर देखिए 853 पॉइंट, बजाज फाइनेंस बहुत भाग रहा था तो अब देखिए गिरफ्त में आ गया। हीरो मोटर कॉर्प, मारुति देखिए 306,000 पे आ गए हैं। तो मारुति एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 5,000 के रेंज में, मुझे अच्छा लगता है 5,000 के रेंज में अगर ये रहे तो आपको यहाँ पे फायदा दे सकता है मारुति। अब एक बार अगर हम इसको FIDI ने क्या किया कैश में, FI ने आज देखा 995 करोड़ का अभी तक 8 तारीख तक बेचा है और कैश में DI ने खरीदा है, बहुत ज़्यादा नहीं खरीदा है। FNO में FI ने फ्यूचर में बेचा है, इंडेक्स में खरीदा है। म्यूचुअल फंड ने बेचा है इक्विटी को, डेब्ट को खरीदा है। FI ने इक्विटी बेचा है और डेट में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है, पैसा ये रखा है। और अगर अप टू डेट की बात कर लें तो जून 19 तक में आप देखेंगे कैश में FI ने 688 करोड़ की, मई में 2,000 करोड़ की और
यहाँ पे जून में 688 करोड़ की बिकवाली की है। डीआई अपना 5000 3000 छोटा छोटा बाइंग कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स में शायद बाइंग हो रही है। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में मई में इन्होंने सेल किया था, अभी यहाँ पे बाइंग की है फ्यूचर में जून में थोड़ा सा, उसके सामने ऑप्शन ज़्यादा बाई कर रहे हैं। और जून में आप देखेंगे कि मई से ज़्यादा जून में इंडेक्स में ऑप्शन में इन्होंने ज़्यादा बाइंग सेलिंग की है। उसी तरह देखेंगे मई से जून में म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन डेप्ट में उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। एफआई ने देखे हैं तो जहां आपने इक्विटी में एफआई सिर्फ जहां 10000 करोड़ का कर रहा था इन्वेस्टर, सिर्फ 1000 करोड़ का किया है, और डेप्ट में 7000 करोड़ का किया है, 3000 के मुकाबले 7000 का। तो कहीं ना कहीं डेप्ट ओरिएंटेड जा रहा है और वीकनेस है आपको बताया जा रहा है आपको वीकनेस, और आप यहाँ पे देखेंगे डेली बेसिस पे जैसे 9.2150 के मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए 11720 का जो सपोर्ट था तोड़ते हुए 11534 पे सपोर्ट लिया है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका 11273 पे मिलता है। और अगर इसी चीज को अगर आप वीकली बेसिस पे देखिए, अगर इसको भी देखा रहता आपने यह डाउन हैमर पैटर्न को, तो आपको आज का फॉल समझ में आ जाता। लेकिन चूंकि आज इसने क्या किया है, इतना ज्यादा फॉल ले चुका है कि हो सकता है कि अब ये फर्दर फॉल जो दिखाए आगे जाके आपको दिखाए, और इसको आगे जाके जो सपोर्ट है वापस देखिए यहाँ पे भी 11100 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनता है, और वहां पे भी आपने देखा वहां पे 11273 के आसपास सपोर्ट बनता है। तो अल्टीमेटली जो सपोर्ट का लेवल है वो 11273 के आसपास है, 11100 के आसपास है यहाँ पे लेगा। लेकिन मेरे ना से एक साथ नहीं तोड़ना चाहिए, तोड़ता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 11100 के पास सपोर्ट टूटता है, और अगर 10 का 11 का सपोर्ट टूटेगा तो आगे बात कर लेंगे, अभी तो नहीं टूट रहा है। अगर एक बार इसको डेरिवेटिव पे जाकर के जो 11 जुलाई है 11588 अगर इसकी एक्सपायरी को देखें तो आपको जो रेंज का दायरा मिल रहा है आप देखेंगे 11700 पे 31 लाख से ओपन इंटरेस्ट आज क्रिएट किया गया, आज ही इसको शॉर्ट किया गया है, तो 11700 कितना स्ट्रांग हो गया कि अब इसको यहाँ पे बहुत रेसिस्टेंस मिलने वाला है। नीचे की ओर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पोजिशन बन रही है 11550 पे बन रहा है 5 लाख का, और 11500 पे ही 13 लाख का, तो कहीं ना कहीं 11500 से 11700 का रेंज मिलता है, और अगर ये तोड़ता है तो वापस आपको 11300 पे सपोर्ट लेकर ले सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 11300 से लेकर के 11700 ऊपर मैक्सिमम जा सकता है, या यू के हैं ये वीक 11500 से 11700 के रेंज में भी निकालता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और 11500 तोड़ता है तो 11300 के रेंज में आपको जाता हुआ दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे भी 11273 दिख रहा था, यहाँ पे भी 11300 यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख सकता है। निफ्टी में चाहे कोई भी 11500 है, अगर 11500 के लास्ट एवरेज प्राइस इसका जो 38 रुपया है, अगर ये सपोर्ट लेता है स्ट्रिक्टली 11700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, मीन्स अगर इसकी वैल्यू 10 रुपये के आसपास आती है तो एग्जिट करें, अदरवाइज आप 11500 के पुट पे पोजीशन को पेपर डेट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। या दूसरे तरीके से कहें तो 11800 प्राइस जो है 7 रुपये पे है, इसको शॉर्ट करके, या 11750 को आप शॉर्ट करके पोजीशन खड़े रह सकते हैं, स्टॉप लॉस 11700 का ले लें, ऊपर के पोजीशन को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं शॉर्ट करके, तो आपको यहाँ पे भी फायदा देखने को मिल सकता है। और आप जो देख रहे हैं ये 12,950 ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम के साथ अगर 1-1 रुपये में तोड़ते हैं तो अच्छा वॉल्यूम के साथ आपको तोड़ने को मिलेगा, और यहाँ पे आप अच्छी कमाई कर लेंगे। ऊपर में अगर आप शॉर्ट करते हैं 11900 950 12000 जिसकी वैल्यू आपको 3 रुपये 3.80 रुपये है, और वॉल्यूम क्वान्टिटी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिल सकता है। बाकी ये पेपर ट्रेड करें, डायरेक्ट मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनाए, जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता पूरा तब तक कोई भी स्ट्रेटजी इसमें नहीं बनाए। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है, व्यू है। आप कोई भी पोजीशन बनाए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर से जरूर ले लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।